मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको ईद उल फितर के इस खास और पाक अवसर पर मैं हार्दिक बधाइयां और मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद उल फितर रमजान के पाक महीने के पूरा होने की खुशी का इस्लामिक कैलेंडर के शाबाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर को प्रॉफेट मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पहुंचने के ओकेजन से भी जोड़ा जाता है। ईद उल फितर हम सबको अच्छी सोहबत, मोहब्बत, भाईचारे और मुल्क के लिए जीने और कुर्बान होने के जज्बे की सीख है, खुददारी है। आज इस दिन पर मैं अपने बचपन की यादों में सरोबार हूँ, खो गया हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से गांव गौतमपुरा में मेरे बचपन के कई साल बीते। मुझे याद आती हैं फखरुद्दीन चाचा की मीठी ईद की दावत, बिरयानी, शीर, कुरमा, सोवैया और अंगूर दाने इत्यादि, गजरेला का स्वाद और फैनी का दूध का स्वाद आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। और ये जो मोहब्बत का पैगाम उन्होंने न केवल ईद पे बल्कि दिवाली, होली और दशहरा पर हमारे यहाँ आके पूरे खुले दिल से मिलाना और मिलना मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे मजले मामा जी, उनके खास दोस्त मोहम्मदीन मामा जी को, जिनकी ईदी की जो यादें हैं वो आज भी मेरे दिल में दूर दूर तक समाई हुई हैं। और उनकी बेपना मोहब्बत का कोई दूसरा, मैं नहीं समझता हूँ, कोई मुकाबला हो सकता है। भारतीय फौज में मैंने 34 सालों में यही देखा और सीखा और महसूस किया कि हिंदुस्तान की फौज है और ये यहाँ का हर अफसर और हर जवान जो है वो हिंदुस्तान का अफसर और जवान है। ना कोई मजहब है, ना कोई सूबा है, ना कोई जबान है, सबकी एक जबान, सबका एक मजहब, हिंदुस्तान। इसी जज्बे के साथ में भारतीय फौज के हर अधिकारी जवान सालों साल और आज भी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, बुद्ध, रामनवमी, महावीर जयंती इत्यादि सारे त्योहारों को बहुत ही जोश से और आपस में मिलजुल के मनाते हैं। ये हमको ये सीख देते हैं कि भारत माता एक है, जो जननी है इस पृथ्वी पे, भारत देश में जो भी जन्म लिया है वो सब एक हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। इसी तरह से देश के लिए शहीद होने वाला फौजी सिर्फ हिंदुस्तानी होता है, ना वो किसी उसका सूबे का, ना धर्म का, ना जबान का होता है। शहीद की कोई धर्म नहीं, सिर्फ भारत माता ही उसका धर्म है। डॉक्टर के इलाज का, ब्लड डोनेशन का, आई डोनेशन का और बाकी ऑर्गन डोनेशन का कोई मजहब नहीं होता है। ये हमको ये सीख देते हैं कि सारा हिंदुस्तान, सारा कायनात एक ही है। हर धर्म, हर मजहब एक दूसरे से मिलके चलते हैं और एक दूसरे की वो इज्जत करते हैं। इसी मौके पर मुझे आज हमारे मशहूर एक्टर और लीजेंडरी फिगर दिलीप साहब के वो बोल याद आते हैं जो उन्होंने 1975 में लंदन में एक कंसर्ट के अंदर उन्होंने कहा था, जिस तरह फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, महज खुशबू होती है, जिस तरह पानी के बहते हुए झरने का कोई वतन नहीं होता, जिस तरह उगते सूरज की किरणों का कोई मजहब नहीं होता, मासूम बच्चे की मुस्कान का कोई मोल नहीं, कोई मजहब नहीं, उसी तरह हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा गुलस्ता है जिसकी हर मजहब, हर जवान और हर तरह के ख्यालात पूरी तरह से, अच्छी तरह से गुथे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है और हर हिंदुस्तान की आन बान शान और इबादत है। जो भी इस जमी से जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान की, चाहे वो पैदाइश से रहा हो या फिर बाद में, सबके लिए हिंदुस्तान एक है। ये एक ऐसा बेशकीमती नूर है, एक ऐसा अनूठा मुल्क है पूरी दुनिया में, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके,
यह गुलिस्ता हमारा, और मैं अपने कुछ दोस्तों और साथियों को खास तौर से आज के दिन याद करता हूँ। मोहसिन मंसूर शौकत, फहीम किदवई शाह शाद, नागोरी निकत अब्दुल्ला कोको, और तमाम मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को ईद मुबारक, जय हिंद।